हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे वीडियो ट्यूटोरियल। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास एक डेटा है और इस पे मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ, और चार्ट डायनेमिक होना चाहिए कि मैं जो चेंज करूँ, पूजा मोहन इंदर सबका अलग अलग आए। कैसे करेंगे? तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। चार्ट बन गया। चार्ट को थोड़ा सा डिजाइनिंग करने के लिए हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे चार्ट चेंज कैसे हो रहा है, जब मैं टू कर रहा हूँ तो मोहन का आ रहा है, थ्री कर रहा हूँ तो कविता का आ रहा हूँ, फोर कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंदर का आ रहा है। अब यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा इसलिए हो रहा है। लेकिन हम डेवलपर टाइप के अंदर हमारे पास होता है इंसर्ट के अंदर कॉम्बो बॉक्स। अब इस कॉम्बो बॉक्स को लेके अगर मैं यहाँ डिजाइन कर दिया, राइट क्लिक कर दिया और फॉर्म कंट्रोल में गया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और यहाँ हमने इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो क्या होगा? अब मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन में पूजा सेलेक्ट करूँ, तो मैंने क्या किया, इसकी फॉर्म कंट्रोल में गया, रेंज में हमने अपना रेंज सेलेक्ट कर लिया और सेल लिंक जहाँ पे हम नंबर टाइप करते थे वो दे दिए यहाँ पे। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं पूजा पे क्लिक करूँ तो क्लिक करते ही मुझे पूजा का चार्ट, मोहन का चार्ट, इंदर का चार्ट ऐसे दिख जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम यूज करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। कैसे? कुछ नहीं करना है, सीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, मूव एंड यहाँ पे व्यू कोड पे जाइए और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं रे सिलेक्शन चेंज, और सिलेक्शन चेंज में हम सिंपल सा लिखते हैं यहाँ पे कौन सा है हमारा A13। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे टारगेट नहीं, A13 रेंज, A13 डॉट वैल्यू इक्वल टू टारगेट डॉट रो -1। वन कर दिया क्योंकि मैं इस पे के लिए पूजा पे क्लिक करूंगा तो पूजा तो टू होगा, लेकिन मुझे तो वन चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 किया। एक सिंपल सा कोड हमने ऐड कर दिया। अब देखिए जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे चल रहा है इस तरह से, सारा नेम चल रहा है जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब इसको उठा के आराम से आप यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं और इसकी जो साइज है उसको बढ़ा दीजिए पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से। अब यहां पे इसको बटन की जैसा आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जिसको क्लिक करेगा उसी का चार्ट दिखेगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है लेकिन एक वीडियो में थोड़ी देर में बताना मुश्किल है। तो कैसे पता चलेगा कि आपको इस तरह की चाहिए? तो इसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम है XLMIS ट्रेनिंग। ये आपको एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे मिलता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जा सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं app.iptindia.com पे, जहां ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जी हाँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिए और यहाँ पे जस्ट नाइन 1 9 9 5 2 5 2 5 0 5 1 इन नंबर है। और यहाँ पे अपना ओटीपी जो आएगा आपके मोबाइल पे वो डाल दें, जो भी आपका ओटीपी आए, वन टाइम के लिए होता है तो आप वन टाइम का कोई ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ पे, और यहाँ जैसे ही वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये आपका ऐप खुलेगा। मैं मोबाइल की जगह पे सिस्टम पे भी खोल सकते हैं।
इसमें आप देखेंगे ये आपका वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का कोडिंग क्लास है, जिसके अंदर में हम पूरे के पूरे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जो पुराना भी है और नया भी है, ये आपको देख सकते हैं ओल्ड कोर्स है, ये देखिए न्यू कोर्स है 24-25 का, जिसमें 59 वीडियोज है। ऐसे जो जो अपडेट्स होते जाएंगे इसमें हम डालते जाएंगे एवरी ईयर एवरी मंथ, और ये आपकी 5 साल से 10 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जिसमें आराम से आप वीवीओ को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, साथ में टेलीफोनिक सपोर्ट भी मिलेगा। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर यहाँ पे जाइए, या फिर आप चाहो तो हमारे साथ हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए मैं बता दूं आपको कि हमने एक बैच शुरू किया है, वीकेंड्स बैच, जो कि सैटरडे एंड संडे होता है सुबह 8 बजे, जो कि 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनरोल करने के लिए कॉल कीजिए, नंबर यहाँ पर।